किसानों को फायदा हो रहा है इससे, जो सब्जियों का रेट बढ़ेगा तो भाई किसान को फायदा होगा, किसान को फायदा हो रहा है, मैं समझ रहा हूँ ये अच्छा हो रहा है। भारत में भी अब आ चुका है धीरे धीरे, लेकिन हम यही चाहेंगे कि जो भी गवर्नमेंट है वो एयरपोर्ट पे अच्छे से अच्छे चेकिंग करे, कितना इसमें स्ट्रेंथ है, कितना डैमेज करेगा, ये सारी चीज़ें थोड़ी सी बता के, और क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए, वो अवेयरनेस ही है। अभी मेडिसिन तो कोई चल नहीं रही है, वैक्सीन तो अभी आने से रही, ऐसे भी 2 साल हो गए हैं, तो बड़ों के लिए वैक्सीन नहीं आई है। अभी मेरी भी दोनों वैक्सीन लग गई हैं, तो अभी तक बड़ों की वैक्सीन ठीक नहीं चल रही है, तो ओमिक्रॉन के लिए बच्चों के लिए तो वैक्सीन आना भी नामुमकिन है। गाजियाबाद के शिप्रा मॉल में, जहां हम जानेंगे लोगों से कोरोना के न्यू वेरिएंट ओमिक्रॉन के बारे में उनकी क्या राय है और महंगाई को लेकर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। आप जो महंगाई अभी बढ़ रही है, जैसे गैस के सिलेंडर के भी दाम इतने बढ़े हैं, है ना, 900 पहुंच गया, तो उस पर आपकी क्या राय है? हर एक चीज़ के दाम बढ़े हैं, सरसों के तेल के दाम बढ़े हैं, सब्जियों के दाम बढ़े हैं, तो उसमें आपकी क्या राय है, महंगाई सही है बढ़ना? महंगाई किसानों को फायदा हो रहा है इससे, जो सब्जियों का रेट बढ़ेगा तो भाई किसान को फायदा होगा जी। गरीब लोगों को तो नुकसान है ना, सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं इतने। सब्जी कौन उगाता है, गरीब ही उगाते हैं ना, फ्लैट में थोड़ी ना उगाएंगे लोग। जो किसानों खेतों में काम करते हैं सब्जी तो वो उगाते हैं, उनको अच्छा रेट मिल रहा है। और जो फ्री में ये लगवा रहे हैं सुई, जो क्या बोलते आप कोविड का, तो कहाँ से आएगा, इसी से वसूल कर रहे हैं सिलेंडर से ही। तो आपका कहना है कि महंगाई जो बढ़ रही है वो सही है? महंगाई भाई बढ़ेगा ही बढ़ेगा, इससे किसानों को भी फायदा है ना, इसमें गरीब लोगों का भी तो नुकसान है ना। तो गरीब लोग खेतों में काम कर रहे हैं, और भी तो वो लोग गरीब हैं। और कौन गरीब है? आप फ्लैटों में रहने वाले? आप फ्लैटों में रहने वाले नहीं, जिनकी तो स्टॉल है अलग अलग। हम तो एक किसान हैं, किसान जमीन से जुड़े हुए हैं, इससे आमदनी भी बढ़ रही है, हर चीज़ पर रेट भी बढ़ रहे हैं। तो आप सरकार के सपोर्ट में हैं, जो महंगाई बढ़ाई है सरकारों ने, जिन जिन चीज़ों पर रेट बढ़ाए हैं, सिलेंडर के दाम बढ़ाए हैं, वो सही किया सरकार ने? सही है, सही है, रेट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, जब आप फ्री का वसूल करेंगे तो वो बढ़ेगा ही रेट। तो अभी सरकार ने सिलेंडरों के दाम बढ़ाए हैं, सरसों के तेल के दाम भी बढ़े, सब्जियों भी के भी दाम बहुत बढ़े हैं, उसमें आपकी क्या राय है कि सरकार ये सही कर रही है? सरकार के ऊपर नहीं होता है सब्जियों के दाम, सब्जियों के दाम होते हैं उपज के ऊपर, सरकार कुछ नहीं तय करती। अगर सब्जी उपज सही होगी किसान की तो दाम कम होंगे, अगर उपज कम होगी तो दाम बढ़ेंगे, इसमें सरकार का कोई रोल नहीं होता है। और जो कुछ होता है वो कृषि पर निर्भर होता है, आम उपज पर, ये सही है। किसान को भी उपज का लाभ मिलना चाहिए ना, कि मतलब सब कुछ लाभ, अगर सस्ती हो गई तो सरकार ने सस्ती कर दी, महंगी होगी तो महंगी, सरकार का कोई रोल नहीं होता है इसमें। और जो सिलेंडरों के दाम बढ़ाए हैं उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? तनख्वाह 1990 में मैं जब जॉब करता था तो 800 रुपये मिलते थे, आज 80,000 रुपये मिलते हैं, उससे कंपैरिजन कर लीजिए बहुत कम है। और किसान को सरसों का दाम पहले 25 रुपये किलो मिलता था, आज 70 रुपये किलो मिल रहा है, उसी सरसों का दाम, सरसों 70 रुपये किलो बिकेगी तो तेल भी आपको 200 रुपये का लीटर मिलेगा ही मिलेगा। सर किसान को उपज अच्छी मिल रही है इसलिए वो रेट सही मिल रहा है, तो किसान को फायदा हो रहा है, मैं समझ रहा हूँ ये अच्छा हो रहा है। देश में महंगाई बढ़ती जा रही है, सब चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं, सिलेंडरों के दाम बढ़े हैं, सरसों के तेल के दाम बढ़े हैं, हर एक चीज़ के दाम बढ़ाती जा रही है सरकार, तो उस पर आपकी क्या राय है, ये सही है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। इसमें देखिए सही कैसे हो सकता है, महंगाई बढ़ रही है तो सही कैसे हो सकता है? अब इसके साथ साथ आदमी की इनकम सोर्सेज भी बढ़ने चाहिए, लेकिन सिलेंडर के दाम पिछले 6 महीने में आपके 900 से 1800 रुपये का सिलेंडर हो गया, कमर्शियल सिलेंडर हर महीने 200-300 रुपये बढ़ रहे हैं, उस हिसाब से इनकम नहीं बढ़ रही है, तो ये मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक नहीं है। तो आप इसकी सपोर्ट में नहीं है कि महंगाई बढ़ रही है तो गलत है? मैं बिल्कुल सपोर्ट में नहीं हूँ। तो आप क्या चाहते हैं सरकार से कि वो महंगाई को कम, सरकार का महंगाई कंट्रोल करें, हर चीज़ के दाम बढ़ रहे हैं, इसमें आपका सरसों का तेल है, रिफाइंड है, एज ए बिजनेसमैन हम रेस्टोरेंट चलाते हैं, हमें बहुत दिक्कत का परेशानी का सामना करना पड़ता है। सर जो अभी जो कोरोना का जो नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन, वो तेज़ी से बढ़ रहा है, उसके ऊपर आपकी क्या राय है? देखिए अभी तो ये पता चला है कि हमारे देश में आने वाला है या आ गया है 2-4 लोगों में, पर जहाँ तक गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करे कि ये किस तरह से फैल रहा है, किस तरह से बढ़ रहा है, और क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए,
क्या मेडिसिन होगी इसके लिए। तो अभी तो जो टीवी के द्वारा पता चल रहा है या मीडिया से जो थोड़ा बहुत पता चल रहा है उसी पे है, तो इसका एक क्लियर कंसेप्ट अभी समझ नहीं आ रहा है बिल्कुल भी कि वो कोई कहता है कि 30% हैवी है, कोई कहता है कि जल्दी स्प्रेड होगा, पावर कम है, तो अभी सब कन्फ्यूजन वाली स्थिति है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि सबसे पहले इसको डिस्क्राइब करे कि ये इसके किस तरह से फैल रहा है, किस तरह से बढ़ रहा है, क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए, क्या इस पर भी एक थोड़ा सा गाइडलाइन आनी चाहिए। तो उससे जैसे कोरोना के लिए उन्होंने एक एक गाइडलाइंस अच्छे से बनाई थी, आप चाहते हैं कि वैसे ओमिक्रॉन के लिए भी आए, एक पता चले कि नहीं, तो कन्फ्यूजन बहुत रहता है। अगर आप जैसे पहले दो उसमें हम लोग देखते रहे हैं, अब तीसरे में पता नहीं क्या होगा, तो ये कन्फ्यूजन वाली स्थिति है अभी भी। तो मेरे ख्याल से इन्हें गवर्नमेंट को एक गाइडलाइन बतानी चाहिए कि किस तरह का यह बीमारी है या कैसे फैलता है या कितना इसमें इसकी स्ट्रेंथ है, कितना डैमेज करेगा, ये सारी चीज़ें थोड़ी सी बता के और क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए। वो अवेयरनेस ही है, अभी मेडिसिन तो कोई चल नहीं रही है, उसकी भी नहीं आई है तो इसकी कहाँ से आएगी अभी। पर यह है कि कुछ जो प्रिकॉशन ले सकते हैं या जो बचाव कर सकते हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो वो मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए इसमें। तो सर ये ओमिक्रॉन बताया जा रहा है कि 5 साल से कम के बच्चों के लिए ज़्यादा हानिकारक है, तो उनके लिए आप क्या चाहेंगे कि सरकार उनके लिए कोई वैक्सीन निकाले कोई या फिर कैसे जिससे वो सेफ रहे? नेचुरली देखिए अभी तो मैं आपको बताऊं, भारत इतना बड़ा देश है, इतने सारे पॉपुलेशन है, अभी पहली और दूसरी डोज भी पूरी नहीं हो पाई है, तो बच्चों के लिए चाहिए बिल्कुल, हर कोई चाहेगा कि बच्चे हमारे सेफ रहें। तो उनके लिए सबसे पहले बच्चों के लिए क्या हम किस तरह से उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसके मैं वही बोल रहा हूँ कि आपको एक गाइडलाइन बतानी चाहिए इसके लिए कि क्लियर करना चाहिए कि हमें क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए, चाहे बच्चे हैं चाहे बड़े हैं या बुजुर्ग हैं जो भी हैं, एक गवर्नमेंट की तरफ से क्या करना है क्या नहीं करना है और क्या प्रिकॉशंस लेनी है, ये 3 चीज़ों पे ज़रूर फोकस करना चाहिए, तभी अवेयरनेस है। पहले तो दवाई पता नहीं कब आएगी, टीके कब लगेंगे, तो वी डोंट नो एनीथिंग, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। आप ये बताइए जो एक नया जो कोरोना का वेरियंट निकला है ओमिक्रॉन, तो उस पर आपकी क्या राय है? ये जो वेरियंट है काफ़ी तेज़ बता रहे हैं, इसकी स्पीड बहुत तेज़ है और ये भारत में भी अब आ चुका है धीरे धीरे, लेकिन हम यही चाहेंगे कि जो भी गवर्नमेंट है वो एयरपोर्ट पे अच्छे से अच्छे चेकिंग करे और क्या कहते हैं वैक्सीनेशन अच्छे से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लग सके, जिससे ये वेरिएंट पे हम काबू पा सकें। और बाकी जो हमारे 3 नियम हैं, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइज़र यूज़ करना है। अच्छा, ये वेरिएंट के बारे में बताया जा रहा है कि 5 साल से कम के बच्चों के लिए ज़्यादा हानिकारक है, तो इसमें आप क्या चाहती हैं कि सरकार उनके लिए भी कोई ऐसी वैक्सीन निकाले जिससे वो भी थोड़ा सेफ रहें? जी हाँ, अगर ये बच्चों के लिए भी वैक्सीन अगर हो और बच्चे सेफ हों तो वो भी अच्छा रहेगा, क्योंकि यूपी में तो स्कूल भी खुले हैं, दिल्ली में तो फिर भी बंद कर दिए जाते हैं, यूपी के तो स्कूल खुले ही रहते हैं, तो उस चीज़ को लेकर कुछ? जी, अगर वैक्सीनेट सही है, वैसे ट्रायल तो चल रहा था गवर्नमेंट का, अगर है तो बच्चों को भी वैक्सीन लगनी चाहिए। सर, जो कोरोना के बाद जो एक नया वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन, वो देश में इंडिया में लगातार अभी बढ़ता जा रहा है, तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? हाँ, वैसे तो मेरे ख्याल से अभी तमिलनाडु में 2 ही केस आए हैं, तो अभी बढ़ने में टाइम लगेगा, तो अभी हमें चिंता करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है वैसे। पर सर, एक ये बात भी कही जा रही है कि वो जो ओमिक्रॉन जो वेरियंट है वो 5 साल से कम के बच्चों के लिए ज़्यादा हानिकारक है, तो आप क्या चाहते हैं कि सरकार 5 साल से कम के वाले बच्चों के लिए भी कुछ वैक्सीन वगैरह निकाले ताकि वो भी सेफ रहें? देखिए, वैक्सीन तो अभी आने से रही, वैसे भी 2 साल हो गए हैं, तो बड़ों के लिए वैक्सीन नहीं आई है अभी, मेरी भी दोनों वैक्सीन लग गई हैं, तो अभी तक बड़ों की वैक्सीन ठीक नहीं चल रही है, तो ओमिक्रॉन के लिए बच्चों के लिए तो वैक्सीन आना भी नामुमकिन है, लेकिन बच्चों के लिए पहले वाला वायरस भी खतरनाक था और ये वाला भी है, तो बस अब ये है कि अपने बच्चों को घर में रखिए और थोड़ा स्कूल वगैरह 1 साल लेट चले जाएंगे तो उससे थोड़ा सा ठीक रहेगा। तो आप ये चाहते हैं कि फिर से स्कूल वापस से बंद हो जाए? हाँ, बिल्कुल बंद होने चाहिए, क्योंकि अगर ज़िंदगी है तो आगे भी पढ़ लेंगे। तो आपको ऑनलाइन क्लासेस से कोई आपत्ति नहीं है? ऑनलाइन क्लासेस से तो बच्चे पढ़ते नहीं हैं, ये मेरी बच्ची है, ये पूरे दिन मैंने अभी मतलब रिसेंटली अभी एडमिशन दिलाया था, तो पूरे दिन ये कार्टून ही देखती है फ़ोन में, तो ऑनलाइन क्लासेस बच्चों के लिए तो है नहीं, लेकिन हाँ अगर आप 3 या 4 क्लास से ऊपर ऑनलाइन क्लासेस होनी चाहिए। तो ये थी लोगों की राय ओमिक्रॉन के न्यू वेरिएंट को लेकर और महंगाई को लेकर। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए समय भारत 24x7 के साथ। धन्यवाद।